हेलो फ्रेंड्स फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल बाइसा किचन हिंदी में। और फ्रेंड्स, आज मैं बनाने वाली हूँ नमकीन दाल दलिया। खाने में बहुत ही पौष्टिक है, सेहत से भरपूर है। तो चलिए करते हैं इसे बनाना स्टार्ट। यहाँ पे मैंने दलिया लिया है करीब 250 ग्राम, और बारीक वाला दलिया है, मोटा दलिया अलग आता है। और यहाँ पे ले रहे हैं छिलके वाली मूंग की हरी दाल 1 कटोरी। और यहाँ पे देखिए, दलिये को पहले और दाल को आप हमेशा बनाने से पहले अच्छे से साफ़ कर लें। कोई कंकर वगैरह इसमें होता है तो वो आप निकाल लें। यहाँ पे गैस पे कढ़ाई रख दिए, और अभी हमें दलिये को सेकना है, क्योंकि दलिया जो होता है वो गेहूं का होता है और ये होता है कच्चा। तो कच्चा दलिया अगर आप डायरेक्ट बनाएंगे तो कभी भी टेस्ट नहीं आएगा, और आपके पेट में भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो जाएगी। तो दलिये को पहले आप अच्छे से सेक लें। तो यहाँ पे देखिए, दलिये को सेकने के लिए आपको ये चीज़ का ध्यान ज़रूर रखें कि गैस की जो फ्लेम होती है, देखिए हाई है, हाई पे नहीं रखना है, या तो मीडियम लो फ्लेम पे रखें या लो फ्लेम पे रखें। और धीरे धीरे चलाते हुए दलिये को आप सेक लें, क्योंकि दलिये को अगर आप हाई फ्लेम पे सेकेंगे तो ऊपर से जल जाएगा, अंदर से कच्चा रह जाएगा, तो आपको टेस्ट भी अच्छा नहीं आएगा। तो यहाँ पर देखिए, दलिये को अच्छे से इसी तरह से चलाते हुए कंटिन्यू आपको 5 से 10 मिनट का टाइम लगेगा, तब जाके आपका दलिया इस तरह से सीखेगा। तो अभी ये अभी थोड़ा सा भी कच्चा है, तो इसको और सेक लेंगे। तो यहाँ पे देखिए, सेकते हुए हमें कम से कम 5 से 7 मिनट हो चुके हैं, और ये देखिए अभी ये हल्का गोल्डन सा कलर ले चुका है। तो यहाँ पे देखिए, हमारा जो दलिया है बिल्कुल सीख के तैयार है। गैस को कर देते हैं हम बंद और साइड में रख देते हैं इसको। यहाँ पे साथ ही भगोनी में पानी गर्म करने चढ़ा दिया है मैंने, क्योंकि हम बना रहे हैं नमकीन दलिया कुछ अलग तरीके से। तो यहाँ पे देखिए, जो पानी में है हल्का सा उबाल आ चुका है, बढ़िया वाला। और यहाँ पे अभी गैस को बंद कर देते हैं हम। तो पानी मैंने ज़्यादा बॉईल इसलिए किया है क्योंकि इसका हम यूज़ थोड़ा लेट करेंगे। यहाँ पे कढ़ाई चढ़ा दी है, इसमें तेल ऐड करा है 1 छोटा चम्मच, और यहाँ पे तेल जो है करीब करीब हमारा हो चुका है गर्म। तो इसमें 1/4 टेबल स्पून ऐड किया है ज़ीरा, और ज़ीरे में लगने देंगे तड़का। तो ज़ीरे में देखिए तड़का लग चुका है, और ज़ीरे की जो आवाज़ आती है चटकने मुझे काफ़ी पसंद आती है तेल में ऐड करते ही। यहाँ पर ऐड करेंगे इसके अंदर अभी हम हमारी बारीक कटी हुई प्याज। तो यहाँ पे प्याज ऐड कर दिए। आप अगर प्याज ज़्यादा खाते हैं तो ज़्यादा ऐड कर सकते हैं, मैंने थोड़ा प्याज ऐड किया है, और प्याज का फ्लेवर बहुत ही बढ़िया आता है दलिये के अंदर। तो यहाँ पे देखिए, प्याज को हल्का सा भून लेते हैं तेल के अंदर हम। और प्याज को हल्का सा भूनने के बाद में यहाँ पर इसमें ऐड करेंगे 1 बारीक कटी हुई हरी मिर्ची, और हरी मिर्ची ऐड करने के बाद में यहाँ पर ऐड करेंगे इसके अंदर हम टमाटर। तो टमाटर ऐड कर दिए हैं, मिला लेते हैं इसको अच्छे से। यहाँ पे देखिए, टमाटर मिलाते हुए हमने कभी करीब 1 मिनट हो चुका है। और अभी यहाँ पे इसके अंदर ऐड करेंगे मसाले। 1/4 टेबल स्पून हल्दी पाउडर ऐड किया है मैंने, और हल्दी आप हमेशा तेल में सबसे पहले ऐड करें। नमक ऐड करा है 1/2 टेबल स्पून, आप ले सकते हैं आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग जैसा आप खाते हैं। थोड़ा सा यहाँ पर ऐड करेंगे पानी, 10 से 15 ml पानी ऐड करने के बाद में इसको एक बार और हम मिला लेंगे। हींग ऐड करिए मैंने यहाँ पर 1/4 टेबल स्पून। हींग का बहुत अच्छा फ्लेवर आता है दलिये के अंदर। आप इसमें चाहें तो वेजिटेबल भी ऐड कर सकते हैं, यहाँ दलिया ऐड कर देंगे सिका हुआ, और यहाँ पे मिला लेते हैं एक बार इसको। आप चाहें तो इसमें पालक, मटर, गाजर और भी जो वेजिटेबल होते हैं वो ऐड कर सकते हैं। यहाँ मैं इसको दाल के साथ बना रही हूँ, तो यहाँ पे दाल और दलिया दोनों ऐड कर दिए हैं, और एक बार मिला लेते हैं, चला लेते हैं इसको, अच्छे से मिक्स कर लेते हैं हम। तो यहाँ पर देखिए, मिक्स कर लिया है मैंने इसको अच्छे से, और अभी यहाँ पे जो पानी मैंने गर्म करके रखा था उसको इसमें ऐड कर देंगे। पानी गर्म करने ऐड करने से ये होता है फ्रेंड्स कि जो आप दलिया बनाएंगे वो बिल्कुल ही आपका एकदम खिला खिला बनेगा, जिस तरह से चावल नहीं होते नमकीन उस तरीके से। तो यहाँ पे देखिए, पानी मैंने ऐड कर दिया है। पानी आप जितना दलिया लेते हैं उसका 3/3 कटोरी दलिया में पानी ऐड करें, चावल बनाते तो इसी तरह से 3/3 पानी ऐड करें, तो आपका बिल्कुल पानी का मेजरमेंट बराबर बैठेगा। तो यहाँ पे अभी लगा देते हैं इस पर ढक्कन। ढक्कन लगा के इसको रख देंगे हम करीब 10 मिनट के लिए, और गैस की फ्लेम बिल्कुल लो रखेंगे ताकि ये अंदर से अच्छे से पक जाए। 10 मिनट हो चुके हैं, ढक्कन हटा लेते हैं। तो देखिए, अभी इसमें थोड़ी सी कसर बाकी है, क्योंकि अभी इसमें पानी भी है और हल्का सा दलिया नहीं फूला है, और दाल भी इसमें अभी मेल्ट नहीं हुई है। तो थोड़ा सा पानी को छिजाने के लिए और उसको थोड़ा और पकाने के लिए यहाँ पे अभी पहले इसमें धनिया की पत्ती बारीक कटी हुई ऐड कर देंगे इस तरीके से। उसके बाद इसको हम वापस, धनिया पत्ती ऐड करने के बाद वापस एक बार इस पर ढक्कन लगा देंगे। ढक्कन लगा के इसको 5 से 7 मिनट के लिए वापस इसी तरह से छोड़ देते हैं पकने के लिए मीडियम लो फ्लेम पर। और यहाँ पे देखिए फ्रेंड, 5 से 7 मिनट हो चुके हैं, तो एक बार वापस ढक्कन हटा लेंगे। ढक्कन हटाने के बाद में देखिए, यहाँ पे देखिए पानी भी इसमें अंदर कम हो चुका है, दाल भी अच्छे से मेल्ट हो चुकी है। और इसी तरह का दलिया बहुत ही अच्छा लगता है खाने में, यानी कि बिल्कुल सूखा भी अच्छा नहीं लगेगा। तो देखिए, बिल्कुल खिला खिला बना है दलिया जो है हमारा। और जो ये पानी है अभी इसको ढक के रख देंगे थोड़ी देर के लिए, और तो अपने आप ऑब्जर्व हो जाएगा।
गैस बंद कर दी है मैंने यहाँ पे। और यहाँ पे देखिए अभी हम कर रहे हैं दलिया को सर्व। तो यहाँ पे देखिए हमारा नमकीन दलिया दाल के साथ बनके है तैयार। तो फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगे वीडियो लाइक कर लें, चैनल सब्सक्राइब कर लें, घंटी बटन जरूर दबा दें।